ये देखिए गाइस, ये व्यू, ये देखिए, ये दरवाजा इतना छोटा, पहले इतने छोटे ही रहता था दरवाजा, गांव में इतने छोटे रहता गाइस दरवाजा। ऊपर चढ़ा भागिए गाइस, एक गांव है ऊपर, होगा कभी लग रखा है तो गाइस, ये देखिए ताला लग रखा है यहाँ पर, सुनसान है गाइस यहाँ, सुनसान कोई नहीं है। वो देखिए वहाँ छानी, वहाँ भी सुनसान है, सारी जगह सुनसान है गाइस, यहाँ सबके खेत बर्बाद हो रहे हैं। हेलो गाइस, तो मैं हूँ सौरभ, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कूल उत्तराखंड बॉय। तो गाइस कैसे हो गाइस, आयोग के मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तो गाइस अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम जा रहे हैं छानी, और सांस भी काफ़ी फूल रही है इधर, देखिए गाइस मेरे पीछे का व्यू देखिए आप। तो गाइस आपको ब्लॉग पसंद आता है, ब्लॉग को लाइक शेयर। गाइस तो हम चल रहे हैं ऊपर के लिए, और आपको फ्रंट का व्यू दिखाते हैं, ऐसे रास्ते पे चलना पड़ रहा है, बहुत चढ़ाई है। नीचे देखिए आप भगवानीपुर, ये रोड है नीचे, यहाँ से हम आए हैं, और ये नीचे आप देख सकते हैं, ये जोगत मल्ला है, नहीं जोगत, ओए नीचे खालसी बोलते हैं इसे गाइस। और उधर देख सकते हैं आप सुरकंडा मंदिर भी, उधर ये देखिए गाइस सुरकंडा मंदिर, ये सामने भी सुरकंडा का मंदिर, ये इधर सुरकंडा का मंदिर गाइस, ये देखिए गाइस, और ये स्वामी बाबा का मंदिर है, और वो हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर बच्चे स्कूल पढ़ते हैं गाइस, यहाँ स्कूल की सुविधा भी नहीं है, काफ़ी छोटे छोटे स्कूल है। अभी हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, आपको व्यू दिखाते हैं। तो गाइस कल मैं आपसे एक से मुलाकात कराने वाला हूँ, ये देखो दादी घीड़ा ले रखा है, और उसके अंदर मोर है, वो ले जा रहे हैं, तो बैल का गोबर है उसके अंदर, और उसे ले जा रहे हैं खेतों में डालते हैं, खाद पानी ऐसे टाइप का कुछ। ये देखिए गाइस, गाइस हम चल रहे हैं, और आपको व्यू भी दिखाएंगे, चलते हैं गाइस ऊपर की ओर, और आपको व्यू भी दिखाते हैं। ये देखो ये है दादी, काफी थक चुकी है पर मानती नहीं है, चल ये ऊपर का व्यू देखिए। और उधर भी छानी है गाइस, वहाँ भी आपको ले जाएंगे, और ये देखिए पहाड़। अभी तो हम थोड़े ही आए गाइस, अभी बहुत ऊपर जाना है, जहाँ पर वो दिख रहा है आपको, जूम कर गया था, अरे भाई जूम हो गया, तो गाइस जूम नहीं हो रहा है, तो अभी दिखाऊंगा आपको, चलते हैं अब आगे की ओर दिखाएंगे। ये देखिए गाइस मेरे पीछे का व्यू, अभी मैं आ रखा हूँ अपने छानी की ओर, और ये देखिए व्यू, देखिए दादी नीचे से आ रही है, और यहाँ देखिए क्या ही सुनसान एरिया है, जंगली जंगल है गाइस, ये देखिए मेरे ऊपर पेड़ ही पेड़। तो गाइस आपको हाई में ले जाता हूँ, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस रिस्क में ले रहा हूँ, फोन भी गिर सकता है नीचे, ये देखिए दादी आ रही है, और नीचे का व्यू देखिए आप, देखिए पेड़ ही पेड़ है, अभी तो हम जंगल की शुरुआत ही कर रहे हैं गाइस, अभी ऊपर जाना है, ऊपर का व्यू दिखाते हैं, और यहाँ से ये घेड़ा मैं ले जाऊँगा। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं ऊपर, और ऊपर का व्यू दिखाता हूँ आपको, चलते हैं जल्दी से जल्दी, और दादी काफ़ी ऊपर पहुँच चुकी है, ये देखिए क्या ही मस्त व्यू आ रहा है गाइस, अभी मेरे को जाना होगा फटाफट, और आपको व्यू दिखाता हूँ कैमरा मैन सौरभ बावना के साथ। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, काफ़ी मस्त है, और ऐसे ऐसे ब्लॉग में लाते रहूँगा मैं इसे।
तो गाइस जल्दी से जाना होगा हमें, और यहाँ पर फिसलने के लिए पत्ते पत्ते भी है। तो गाइस यहाँ से दो दो रास्ते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। यहाँ से मैं आया अभी ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन फिसल रहे गाइस, जल्दी से ऊपर जाना होगा। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर छानी, ये देखिए यहाँ पर छानी है, ये देखिए छानी। इसका अंदर का आपको व्यू दिखाते हैं, अंदर है क्या। तो गाइस अंदर कुछ नहीं है गाइस, एकदम खाली है गाइस, अंदर खाली। और मैं अकेला आ रखा हूँ इधर, ये देख लीजिए एक बार। तो गाइस अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ, और यहाँ खतरे से खाली नहीं है, अकेला रहना, इसलिए निकलना होगा। तो गाइस वहाँ ऊपर जाना हमने, उधर ऊपर देखिए गाइस, ऊपर जाना है हमने, ऊपर ऊपर वाले खेत में। और वो नीचे देखिए, ये रोड है, आप चलते हैं गाइस जल्दी से, फौरन निकलना होगा हमें, लेट काफ़ी हो चुकी है। और ये खेत देख सकते हो गाइस, यहाँ काफ़ी ज़मीन है हमारी। और गाइस चलते हैं अब आगे, दादी कभी काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी है, वो देखिए दिख रहा होगा आपको, दादी काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी है, ये देखिए दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो गाइस हम भी निकलते हैं फटाफट, दादी को पकड़ना है, जल्दी से निकलते हैं। तो गाइस हम निकल रहे हैं फटाफट, और फिसलने की डर है, काफ़ी पत्ते हैं यहाँ पर, ये देखिए आप, पत्ते काफ़ी है इधर, फिसलने की डर भी है। हमें जल्द से जल्द निकलना होगा गाइस, गाइस तो ये देखिए नीचे खाई, खाई क्या है पर ऐसे यहाँ से गिर गए तो गया काम से। तो गाइस जल्दी से ऊपर जाना होगा, और दादी को आप देख सकते हो, नहीं दिख रही, वो देखिए, हमें फटाफट जाना है। तो गाइस मैं ज़्यादा कैमरे को ऊपर नहीं कर सकता, इससे मैं ओ कैमरे फोन नीचे गिर सकता है, क्योंकि जो ये मेरे पास हेल्प स्टिक है ये काफ़ी ख़राब हो चुकी है, और ढीली भी काफ़ी है, इसलिए मुझे नीचे नहीं करना होगा, सीधे निकलते हैं, आपको व्यू दिखाते हैं आगे का। चलते गाइस फटाफट, लेट्स गो। तो गाइस अभी हमें काफ़ी थक लग चुकी थी, और काफ़ी थक लग चुकी थी, और हमारे पीछे व्यू देख सकते हो आप, काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है, ये देखिए काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, और थक भी काफ़ी लग चुकी थी। और अभी हम थोड़ा आगे का व्यू दिखाते हैं आपको, आप बोलेंगे कि हमें पूरा व्यू दिखाया नहीं, पूरा व्यू दिखाएंगे तब जाके वीडियो ख़त्म होगी। तो चलते गाइस आगे, स्लो स्लो कदमों से चलते हैं हम आगे की ओर। ये देखिए आगे का व्यू, नीचे काम हो रहा है खेतों में। वो देखिए क्या मस्त व्यू आ रहा है, ओपी ओपी वाइज ओपी फुल पावर। गाइस तो देखो ऊपर का व्यू देखिए आप, ऊपर का व्यू दिखाते हैं आपको, मेरी आवाज़ थोड़ा कम आ रही होगी उसके लिए सॉरी, पर ऊपर का व्यू दिखाते हैं आपको, ये देखिए पेड़, और वहाँ पर बकरी भी है सामने पे, ये देखिए बकरी। गाइस ये देखिए व्यू काफ़ी मस्त आ रहा है, व्यू है पहाड़ है, और आगे हम अपने खेत में, ये सारे हमारे खेत है देखिए। ऊपर देखिए ऊपर छानी है, और ये देखिए ऊपर खेत ही खेत है, पहाड़ी है, काफ़ी अच्छा व्यू है। मैं आगे ले जाता हूँ आपको, आगे का व्यू दिखाता हूँ गाइस।
गाइस अभी आगे ले जा रहा हूँ, आगे का व्यू दिखाता हूँ आपको, काफी मस्त व्यू है। और यहाँ पर मैंने हाल भी लगा रखा है इन खेतों में। ये देखिए गाइस, उस छोर तक है वहाँ लास्ट तक, और ये हमारा छानी है ऊपर, देखिए ऊपर छानी है गाइस, और ये दादी है। और अब हम जा रहे हैं ऊपर, छानी दिखाएंगे आपको, और नीचे देखिए रोड, वहाँ से आए थे हम। जूम करके दिखाता हूँ गाइस आपको, जूम करके। तो गाइस मैं आ चुका हूँ छानी, और आपको दिखाता हूँ अब मेरे पीछे का व्यू, ये देखिए। और आपको अब पेड़ पौधों से भी मिला देते हैं, पेड़ पौधों का भी व्यू दिखाना है गाइस। और इनसे मिलिए, यहाँ लगे जाते हैं पोलम, लेकिन बंदरों ने कुछ नहीं छोड़ा, सब बंदरों ने खा लिया। अब आगे का दिखाते हैं आपको। यहाँ लगे जाते जापनीज फल, बंदरों ने यहाँ भी कुछ नहीं छोड़ा, यहाँ भी पूरे खा लिए, मगर अभी है, अब लगेंगे इसमें, अगस्त के महीने लगते हैं इसमें। जैसे गाइस मैंने आपको बताया, यहाँ बंदरों ने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ खा लिया। ये पोलम का पेड़ है और आरू का पेड़ है, पता नहीं क्या क्या पेड़ है। देखिए जंगल ही जंगल है ऊपर साइड, जंगल ही जंगल है देखिए एक बार, और ऊपर भी छानी है। तो यहाँ देखिए यह है पेड़ अखरोट का, यहाँ भी बंदरों ने कुछ नहीं छोड़ा, सब खाते रहते हैं, बस हमारे लिए कुछ नहीं बचाते। और यहाँ अब रोग रहते भी नहीं है, गांव में सुविधा कुछ है नहीं पानी पीने की भी, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। और ये देखिए यहाँ पर जापनीज फल लगे रहते हैं इस पेड़ में, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं छोड़ा। और उसके बाद आगे दिखाते हैं गाइस आपको, फुल पावर देखते हैं गाइस। तो गाइस अभी हम ऊपर आ चुके हैं अपना छानी, ये हमारा छानी है, गोटा है हमारा, ये देखिए इन्हें पीटो बोलते हैं गांव में, गढ़वाली में। और ये देखिए ये छानी है, ये है छानी, क्या है गाइस छानी, इसे बोलते हैं गाइस छानी। ये भी छानी है, ये पूरा ही छानी हमारा ही है गाइस ये, और ये हमारा खेत है। और मेरी बुआ और देख रहे होंगे नीचे से, तो उन्हें गांव की काफ़ी याद आ रही होगी, वो कभी ऊपर नहीं आए हैं। एक बुआ जो 10 साल से ऊपर नहीं आई है, कविता नोटियाल उनका नाम है, तो वो देख रहे होंगे, तो कमेंट भी ज़रूर लिखना है कैसा लगा ब्लॉग। ये देखिए गाइस काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है गाइस, काफ़ी सुंदर आ रहा है। और वो देखिए नीचे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ हमसे ऊँचाई पर है गाइस। अभी मैं ऊपर का भी दिखाता हूँ आपको व्यू। दादी वहाँ पर गोड़ रही है खेतों में, कुछ गोड़ नहीं बोलते दादी गाइस इसे। अभी हम ऊपर ले जाते हैं आपको, ऊपर का व्यू दिखाते हैं आपको। तो गाइस पहले यहाँ की एक फ़ोटो ले लेते हैं, थंबनेल बनाने का काम आएगा गाइस। गाइस तो अभी हम अपने गोटे से थानी से थोड़े ही ऊपर आ गए हैं, और यहाँ का भी आपको व्यू दिखाते हैं। ये मेरे पीछे छानी है, टूट रखा है पूरा, सांस भी काफ़ी फूल रही है गाइस, बुढ़ापा आ गया गाइस मेरे तो। गाइस आपको भी, अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। ये देखिए गाइस ये व्यू, ये देखिए ये दरवाजा है इतना छोटा, पहले इतना छोटे ही रहता था दरवाजा, गांव में इतने छोटे रहता है गाइस दरवाजा। ऊपर चढ़ा भागिए गाइस, एक गांव है ऊपर, होगा कभी हमारा भाग दो ऊपर भी दिखाएंगे आपको, भाग्य होगा ऊपर तो दिखाएंगे आपको जरूर। ये देखिए गाइस ये भी टूटा हुआ है, यहाँ भी कोई नहीं रहता है। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ गाइस, अब गांव में रहते हैं ही कोई, गांव पूरा खाली हो चुका है, और अभी यहाँ भूत प्रेतों का वास रहता है। अब देवता भी नीचे साइड ही रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं, मगर यहाँ ज़्यादा करके जानवर है, भूत प्रेत ये सब आते हैं इधर बस। गाइस हमारे गाँव में मान्यता है कि यहाँ कोई हल्ला नहीं कर सकता, अगर जिसने भी यहाँ ऊपर आके चिल्लाया तो वो बीमार हो जाता है, मतलब उस पर छाया छुया हो जाती है, हमारे गाँव में ऐसी बोला जाता है, नेगेटिव एनर्जी अटैक कर देती है, और यही सुनाई जाता है इधर। तो गाइस जी एक वीडियो फोटो ले लेते हैं गाइस इसकी, और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको व्यू। गाइस आगे मैंने फ्रंट का व्यू दिखा दिया आपको, आप पीछे का दिखाते हैं छानी का व्यू, और काफ़ी मज़ा आ रही होगी आपकी व्यू देखने में। आप दिखाते हैं आगे का व्यू। तो गाइस
ये देखिए यार, सांप सूप भी रहते गाइस, डर काफ़ी लग रही है। देखिए पूरा टूट रखा है गाइस पूरा, अब कोई रहता नहीं है तो बंदरों ने तो तोड़ना ही है गाइस ये। और ये हमारे भाई बंद का वो छानी था ये, अब यहाँ रहते नहीं कोई, सब अब चले गए, अब नीचे ऋषिकेश वगैरह वगैरह शहर में बस रहे हैं, तो यहाँ कोई नहीं रहता है गाइस। तो मैं इंटर देना भूल ही गया, यहाँ इस गाँव का नाम है जोगत पिछला, ये आपको उत्तरकाशी में मिल जाएगा, मैप में सर्च मार लेना। काफ़ी सुनसान गाँव है, यहाँ कोई भी नहीं रहता, अब खाली हो चुका है ये। देखिए पहले हम यहाँ रहते थे, पहले हम यहाँ रहते थे, यहीं राशन वसन यहीं रहती थी, सब कुछ दुकान भी यहीं थी, अब यहाँ कोई नहीं रहता। और ये दिखाना भूल गया मैं आपको, ये चक्की है गाइस यहाँ पर, ये देखिए चक्की, यहाँ पर आटा पीसा जाता है, हमारे दादी जी की चक्की है, दादाजी मतलब भाईबंद की, भाईबंदी समझ लो, उन्होंने चक्की लगाई है छानी में, और रहते हैं यहाँ ज़्यादा करके। आज तो नहीं आ रखे शायद, पता नहीं क्यों नहीं आ रखे, पर वो जैसे कोई आता है ऊपर का, ऊपर गांव वाले आते हैं तो यहाँ आटा पीसने आते हैं, तो ऊपर गांव में भी काफ़ी कम हो गया है, अब यहाँ सुविधा है ही नहीं गाइस। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ गाइस कि वो जल्द से जल्द यहाँ सुविधाएँ प्राप्त करें, जैसे कि स्कूल, और पानी की यहाँ बहुत ही कमी है, और क्या बोल सकते हैं, स्कूल भी नहीं है, पानी की भी कमी है, और यहाँ ना वो वेतन है ना कुछ, यहाँ कोई नौकरी नौकरी नहीं है, यहाँ जैसे कि शहरों में होती है फैक्ट्री वगैरह, यहाँ वो कुछ सुविधा नहीं है गाइस। तो मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से कि रोड भी अच्छी बनाई जाए, रोड में भी पिछली बार रोड बनाई गाइस लोगों ने, और मतलब हाँ वही रहते सरकार के विधायक वो बगैर बगैर जो होते हैं गाइस, उन्होंने रोड बनाई और रोड पूरी टूट गई, वो 1 साल भी नहीं टिकी गाइस वो, और आए दिन यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट होते रहते हैं रोडों में। तो मैं सरकार अरे कहना क्या चाहते हो? से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ रोड का भी काम शुरू कराए, और रोड भी पक्के कराए, जिससे कि आए दिन एक्सीडेंट कम होते जाए, और ना ही हो मेरे हिसाब से तो। नचिया गाइस इस वीडियो को इतना वायरल कर देना कि सरकार तक ये पहुंचना चाहिए, और शेयर करते जाना जैसे कि सरकार तक पहुंचो, और तब हमें मतलब यहाँ रोड का काम शुरू हो, और सरकार भी हमारी बातों को समझे। सरकार बन रखी है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा गाइस, ये देखिए पूरा सुनसान एरिया, देखिए कोई नहीं दिख रहा है, और जैसे कि होता है यहाँ छानी में तो कुछ ना कुछ इंसानों को दिखना चाहिए, अब यहाँ जानवरों का अटैक हो रहा है, लोगों की फसल बर्बाद हो रही है, क्या नहीं हो रहा गाइस। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि यहाँ जल्द से जल्द मतलब काम शुरू कराए रोड वगैरह का, और पानी का भी बहुत दिक्कत होती है इधर, पानी का भी वो जल्द से जल्द निवारण कराए, हल निकाले। और आपको एक फ़ोटो दिखाते हैं, ये देखिए मेरे पीछे कोई नहीं है गाइस, छाई में कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं गाइस, कोई नहीं, हर तरफ देखो तो कोई नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बंदे होंगे जो आते होंगे छानी में, जिन जिनकी मजबूरी है यहाँ रहना, और सब चले गए हैं शहरों में, बस चुके हैं, क्योंकि यहाँ सुविधा है ही नहीं गाइस, यहाँ सुविधा है ही नहीं, अब सब शहरों में बस चुके हैं तो यहाँ सुविधा है नहीं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ रोड का कंस्ट्रक्शन काम शुरू कराए, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो सुविधाएँ प्राप्त कराए लोगों को, जिससे कि सारे लोग अब गांव में बसने लग जाए, क्योंकि यहाँ ऐसे छोड़ नहीं सकते, यहाँ जानवरों का अटैक हो रहा है, हर दिन आई खबरों में हर दिन बुरी खबर आ रही है कि जानवर ने इसको मारा, इसने उसको मारा, गाड़ी गिर रही है, ऐसा वैसा बहुत हो रहा है गाइस। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ रोड का काम शुरू करें, और सुविधाएँ प्राप्त कराए, तो सरकार से निवेदन है कि जल्दी से मुआवजा मतलब सुविधाएँ प्राप्त कराए मोदी सरकार, और कुछ नहीं चाहते हम गाइस। तो यहाँ और कुछ दिखाने लायक चीज़ नहीं है, मतलब है क्यों नहीं, मगर अभी ये होता है ना गाइस, मैं अकेला जाऊँ तो कहाँ गाड़ी ना कुछ। तो गाइस मैं आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया है कि तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और क्या करना है गाइस आपको, बस आपको ना पैसे लगते ना कुछ, आपने बस बेल आइकन बटन प्रेस करना है, जिससे मेरी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखिए यहाँ कोई नहीं है, ताला लग रखा है, तो गाइस ये देखिए ताला लग रखा है यहाँ पर, ये देखिए सुनसान है गाइस यहाँ, सुनसान कोई नहीं है, और देखिए वहाँ छानी वहाँ भी सुनसान है, सारी जगह सुनसान है गाइस, यहाँ सबकी खेत बर्बाद हो रहे हैं, फसल होनी थी गाइस, यहाँ काफ़ी खेत बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि सभी लोग नीचे जा रहे हैं, सुविधाएँ है नहीं, इससे हमारा बहुत ही नुकसान हो रहा है,
जिससे कि किसान अपनी फसल नहीं उगा पा रहे और लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे, जिससे कि लोग भुखमरी के कारण मरने लग गए हैं, तो ये काफ़ी नुकसानदायक हो रहा है। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि सुविधाएँ प्राप्त कराए इधर से, और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि सरकार तक ये वीडियो पहुँच जाए। ये देखिए गाइस, ऊपर जंगल ही जंगल है, तो ऊपर कहाँ ले जाना गाइस आपको। तो गाइस अब चलते हैं, अगर ऊपर अभी आपको कहीं और दिखाना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, आपको आगे का व्यू भी दिखाएंगे। चलते हैं अब। गाइस आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और कमेंट में जरूर लिखना कि वीडियो कैसी थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और कमेंट में जरूर लिखना कि वीडियो कैसी थी गाइस, और वीडियो अच्छी होगी तो ज़रूर शेयर करना गाइस। और